हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंधी का डिज़ाइन लेकर के आए हैं जो कि आपको बनाना बताएंगे। हम अपने चैनल पर बहुत सारे सिंधी का डिज़ाइन डाल चुके हैं। अगर आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ये वाला फूल हमने बहुत पहले ही बना करके आपको चैनल पर डाल दिया है। अब आज इसकी भराई में बनाना आपको बताऊंगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसकी भराई करेंगे तो पहले इसमें फ्रेम फिट कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत इजी है गाइस बनाना इसको। ये देखिए, आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। और इसको सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको ग्राफ के द्वारा बनाना बताया है, किसी को भी बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए इसकी भराई हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी हम भराई शुरू करेंगे यहाँ से। हमने यहाँ से इसकी भराई स्टार्ट की है। इसका भरने का एक ही तरीका होता है, एक ही तरह से हम सारे डिजाइन को इसमें भर लेंगे। जितना भी हम पहले इस सांचे को तैयार करते हैं भरने के समय, हम उसी वाले धागे को यूज करते हैं। जब भराई करते हैं तो हमें किसी भी तरह से कोई भी कपड़ा में अटैच नहीं करना है नीडल को। ये देखिए, ये जो बीच में का धागा है इसको इस तरह से खोज करके हमें निकालना पड़ता है। इस तरह से एक धागा को लेंगे, फिर बीच वाले को दबा देते हैं धागे को, फिर इस वाले धागे को हम ऊपर उठाते हैं। फिर ये जो हमने यहाँ पर अटैच किया है इसी में होल में डालते हैं। फिर इस धागे को उठाएंगे, फिर इसको यहाँ से हम भरेंगे। जो इस तरह का फूल बना होता है वो आते जाते हमारा कवर हो जाता है, हम उसको भर लेते हैं। इसके साइड में 1 2 3 4, ये चार फूल हमारा है। तो चारों में एक बार जब आएंगे जाएंगे तो इसमें होते हुए हमको आना जाना रहता है, उसी में ये हमारा भर जाता है। सिंधी के लिए कोई भी फूल आपको बनाना है, कोई भी डिजाइन बनाना है, अब तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर उसमें कोई भी कहीं भी आपको परेशानी हो रही है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें, वहां पर फिर से मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरह का फूल आप पर्दे पर बना सकते हैं, सोफा के कवर पे बना सकते हैं, टेबल के कवर पे बना सकते हैं। किसी पर भी बना सकते हैं। और इससे बड़ा वाला फूल अगर बनाएंगे तो आप बेडशीट पर भी बना सकते हैं। आज मैं इसकी क्लियर भराई आपको बताऊंगी। क्रोशिया वाला धागे के लिए जो ऊलन आता है आप उसको अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा ही बढ़िया रहता है। और गोले वाले ऊन से अगर इसकी भराई हम करते हैं तो थोड़ा ऊन हमारा धुना धुना के वो खराब हो जाता है बार बार यूज करते करते वो। ये वाला धागा एक यहाँ पे लग रहा है कि छूट गया है।
इसी तरह से हम इसकी भराई करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह की हमारी भराई होती जाएगी, और जब भराई हो जाएगी तो बहुत ही सुंदर और प्यारा बनके ये तैयार हो जाएगा। तो आइए इसकी पूरी हम भराई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। पहले ये हमारा भराई होगा, जब लास्ट में इधर से हम आएंगे तो ये वाला भराई होते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारी भराई कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए पूरी भराई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने इसको यहाँ तक बना लिया, इसकी भराई कर ली है। देखिए हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था, यहाँ के बाद यहाँ हम बनाए, इसके बाद यहाँ बना रहे हैं, इसके बाद हम इधर बनाएंगे, इधर बनाते हुए हम इधर आ जाएंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पैटर्न को हमें पूरा करना पड़ता है। एक बार में हमारा ये चाहें कि ये पूरा एक साथ भराई हो जाए तो वैसे नहीं होता है। जैसे जैसे हम सबसे पहले बनाते हैं वो हमारा सबसे लास्ट में भराई होता है। तो इसी तरह से इसकी भराई हम कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमारा ये फुल कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हम इसको धागा नीचे की तरफ करते हुए नीडल को निकाल देंगे। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा फुल कंप्लीट है। और देखिए इस तरह से फूल हमारा कंप्लीट है, और बनने के बाद तैयार होने के बाद ये इस तरह का लुक आएगा इसका। और हमने जो एक बेड शीट का वीडियो अपलोड किया है तो उसमें ये वाला फूल भी हमने बनाया है। दो तीन हमने सिंधी के डिजाइन वाले चादर डाले हैं, उस पर एक फूल ये भी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।